फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों हमने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका एक सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होता है, उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करने पर उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके वेरिएबल सेपरेट हो जाए। सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेशन के लिए ट्राई करना है किसी भी क्वेश्चन में। पहले ट्राई करूँ क्या उसके वेरिएबल सेपरेट हो पाते हैं। तो इसमें हम अगर dy by dx को यहीं रखें और cos को भेज दें उधर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। तो आप देख सकते हो बच्चों कि बहुत ही ईजिली, चूँकि बहुत कम टर्म है, ईजिली वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। वेरिएबल सेपरेशन मतलब क्या? x के साथ dx और y के साथ dy, x के साथ टर्म dx की तरफ हो पाए और y के टर्म dy की तरफ हो पाए। तो आप ये सोच सकते हो कि तब सब में हो तो जा देगा, है ना? कोई भी ये सोचेगा कि भाई ऐसा हो तो जाएगा हर क्वेश्चन में। बट बच्चों हम आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें तुम जितनी भी कोशिश करोगे ये कभी इसके वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो सकते। x के तरफ dx जब ले जाना चाहोगे तो y भी पहुंच जाएगा। वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है ही नहीं। ठीक, तो जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हो कि वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं तो हम लोग इस फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक, तो पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को देखिए, वेरिएबल सेपरेट करिए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाए फिर इंटीग्रेशन कर देना है। इस साइड y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और इस साइड cos इनवर्स a dx। बताइए cos इनवर्स a का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज अ कॉन्स्टेंट, a इज अ कॉन्स्टेंट। तो cos इनवर्स a को ट्रीट एक कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ वन बचेगा, वन का इंटीग्रल क्या होता है? x होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, और इधर dy मतलब वन है, बस वन का इंटीग्रल dy। अगर लिखा है ना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो यहाँ पे सिर्फ y आएगा। तो हमें ये जो फॉर्मेट मिला है ये क्या है? दिस इज जनरल सोल्यूशन। हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही तो सोल्यूशन होता है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल चुके हैं, दिस इज सोल्यूशन। लेकिन कौन सा सोल्यूशन है ये? जनरल सोल्यूशन, क्योंकि तुम आंसर सी के फॉर्म में दे रहे हो। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी इज द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? अगर क्वेश्चन नंबर 11 करोगे ना बच्चों, इतनी जल्दी इंटीग्रेशन नहीं होगा वो, क्योंकि वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 11th और 12th दोनों पार्शियल फ्रैक्शन से होंगे। तो हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक, तो बच्चों इंटीग्रेशन के बाद कैसा फंक्शन बनता है वो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा होगा। सब में मैथड सेम रहेगी, वेरिएबल सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन था तो छोटा आंसर आया, लेकिन यही अगर एक ऐसा फंक्शन हो जाता जिसमें जो आपका इंटीग्रैंड है वो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस, ऐसे तीन फैक्टर्स होते तो वो वाले क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। मतलब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होगी। जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है आप आंसर सी में दे देते हो, दिस इज वॉट जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। बच्चों पर्टिकुलर सोल्यूशन हम उसी क्वेश्चन में निकाल पाएंगे जिसमें इनिशियल कंडीशंस दी हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के पास देखिए एक्स और वाई की कुछ वैल्यू दी हुई है, इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। मतलब एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी तभी आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल पाओगे। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि जब एक्स जीरो होता है तब वाई वन हो जाता है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज अपने जनरल सोल्यूशन में रख लेना है। पुटिंग एक्स कोस टू जीरो एंड वाई कोस टू वन, किस में? जनरल सोल्यूशन में। जनरल सोल्यूशन क्या है बच्चों?
वाई कोस टू, तो वाई क्या रखना है वन, एक्स एक्स तो एक्स तो जीरो है, जीरो इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस सी, तो ये पूरा जीरो कर देगा इसको, तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वन, सी की वैल्यू वन हो जाएगी, सी वन मिल गया, बस सी को उठा के जनरल सोल्यूशन में रख दो, ठीक है, सी कोस टू वन रख देंगे तो वाई कोस टू कितना हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आई है वन, और वन को इधर ले आए, वाई माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, और अगर कॉस को भी उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा अगर इनिशियल कंडीशन है एक्स कोस टू जीरो एंड वाई कोस टू वन, समझ गए, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन।